तो अभी तक आपने मेरा चैनल आईटी वाले राजा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने का आपको ये फायदा होगा कि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और इस घंटी वाले बटन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल के मेंबर बन जाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आईटी वाले राजा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी पिक्चर, कोई भी फोल्डर, ऑडियो वीडियो सॉन्ग या कुछ भी फाइल अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कैसे हाइड कर सकते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी पर किसी भी फोल्डर को हिडन करते हैं तो वो हिडन हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि आपका डेटा जो पर्सनल है वो कहाँ पड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का एक फोल्डर यानी एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा अपने मोबाइल में यूज़ करने के लिए, जिसकी मदद से आप कुछ भी हाइड कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, आपने किसी भी पिक्चर या किसी फोल्डर को हाइड कैसे करना है, आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर लिखना है जेड डायलर। ठीक है दोस्तों, जब आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। ये फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है, आपने ये वाली इंस्टॉल करनी है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। दोस्तों इसकी 4.5 की रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग चल रही है। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, जैसा कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा आपसे, मतलब कि आप अपना नाम दे दें या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। मैंने अपना पासवर्ड ये क्रिएट किया हुआ है 7788। आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने इमेज पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी हाइड कर सकते हैं, मैंने ये अपनी एक तस्वीर हाइड की हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप चाहें तो वीडियो हाइड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, जो प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है नीचे जहाँ पर ये मेरी पिक्चर आ रही है। ठीक है, ये वाला आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं ये वाली वीडियो जो है इसे हाइड करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, देखें दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन को हाइड कैसे करना है, ताकि कोई भी आपके मोबाइल को यूज़ करे उसको पता ना चले कि आपकी जो एप्लीकेशन हाइड जो आपने की है वो कहाँ पड़ी है, जिसकी वजह से आपकी जो है पर्सनल चीज़ें महफूज रह सकेंगी। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं, आपने दोबारा ये एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना कोड देना है। कोड डायल करने के बाद दोस्तों ये देखें डायलर वॉलेट जहां भी लिखा हुआ है, ये तीन लाइनें जो बनी हुई आपने इस पर क्लिक करना है। आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने ये देखें काफ़ी सेटिंग्स हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काम की बात दोस्तों, ये देखें जहाँ पर मेरी ये पिक्चर है हाइड ऐप आइकॉन, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखें ये डिसेबल्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपने इस पर इसे इनेबल कर देना है। मैंने इसको इनेबल कर दिया है दोस्तों। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर शो नहीं होगी, और आपने इस एप्लीकेशन को कैसे शो करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखें दोस्तों, मैं अब ये एप्लीकेशन को मिनिमाइज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ी हुई थी और ये एप्लीकेशन यहाँ पर कहीं भी नहीं है, और मैं अपने ये दिखा देता हूँ दोस्तों। देखें ये एप्लीकेशन कहीं भी नहीं पड़ी। आप चाहते हैं कि आपने जो अपना डेटा हाइड किया था, ठीक है दोस्तों, इसे आपने दोबारा देखना है तो किस तरीके से देखना वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फ़ोन का डायलर कीपैड जो है ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है 7788। ये लिखने के बाद दोस्तों, मैंने 7788 इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा पासवर्ड था। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ओके किया। जब मैंने इसे ओके किया दोस्तों, ये आपकी एप्लीकेशन का जो है वो कीपैड ओपन हो जाएगा। मैंने अपना पासवर्ड लगाया। पासवर्ड लगाने के बाद देखें दोस्तों, मेरा ये डेटा जो है मेरे सामने शो हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपकी जो प्राइवेसी है महफूज रह सकती है। अब आपको दोस्तों एप्लीकेशन ऐप लॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बता दिया है जिसे आप यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।